कष्टकरी होतकरू सर्वसामान्यांच्या जीवनातील अर्थवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या दी फैंस मर्कंटाईल कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक मंगळवारी 18 ऑक्टोबर रोजी होत आहे। या निवडणुकीत हाजी सलीम मिर्झा यांच्या नेतृत्वाखाली परिवर्तन पॅनल ताकतीनिशी उतरले असून दिवसेंदिवस बँकेचे सभासद परिवर्तन पॅनलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत। गेल्या अनेक वर्षांपासून हाजी सलीम मिर्झा यांच्या नेतृत्वावर सभासदांनी विश्वास टाकला असून तो यंदाही सार्थ ठरवतील असे चित्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयार झाले आहे। सभासदांचे हित तसेच सभासदांनी गुंतवलेल्या पैशांना योग्य व्याजदर कष्टकऱ्यांना दैनंदिन व्यवहारात योग्य ते कर्ज वाटप करून अर्थचक्र नियमितपणे समतोल ठेवणाऱ्या दी फैज मर्कंटाईल कोऑपरेटिव्ह बँकेची प्रगती अबाधित ठेवण्यासाठी परिवर्तन पॅनल निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहे। दरम्यान या निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारी करणाऱ्या गंगूबाई हुडेकर यांनी 4 दिवस आधीच निवडणुकीतून माघार घेत परिवर्तन पॅनलला पाठिंबा दर्शवला आहे। परिवर्तन पॅनलची निशाणी कब्बशी असून सर्व सभासदांनी परिवर्तन पॅनलला भरघोस मताने निवडून द्यावे असे आवाहन साजिद मुल्तानी यांच्यासह परिवर्तन पॅनलच्या उमेदवारांनी केले आहे। ये मैंने फैसला किया था क्योंकि इस बैंक से हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं और हमारे शहर के लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि देखा जाता है कि इस बैंक में छोटे पैमाने पर काम करने वाले जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, होटल के बिजनेस करने वाले लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में रोजंदारी पे काम करने वाले लोग हैं, ठेले पे काम करने वाले लोग हैं, तो इन सब लोगों का जो पैसा होता है इस बैंक में टर्नओवर होता है और इस बैंक में सेविंग की जाती है, जिसकी वजह से ये लोग बैंक को एक आशा की नजर से देखते हैं। तो फैज बैंक में इलेक्शन लड़ने का मेरा पूरा पूरा इरादा था और बैंक के हित में काम करने का भी इरादा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि इस समाज का, इस शहर का मैं भी एक हिस्सा हूं, तो मेरा भी ऐसा उसमें ये था कि इरादा था कि मैं भी इस बैंक में इलेक्शन लड़ूं, जैसे कि बहुत सारे बुजुर्गों ने और तजुर्बेकार लोगों ने मुझे कहा कि आपने भी इस बैंक में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन कुछ वजह, कुछ दिनों से शहर में कुछ बातें चल रही है, लोगों में कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, उसके ताल्लुक से कुछ परिवारवाद के ताल्लुक से कुछ लोग बातें कर रहे हैं, लोग अपनी कुछ जगह पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बैंक के इलेक्शन से मैं इस प्रतिक्रिया से बाहर आता हूँ, इस बैंक के इलेक्शन में मैं लड़ने के लिए बिल्कुल भी अभी एग्री नहीं हूँ। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गंगूबाई लेकर जो मेरी वाइफ है, इसको मैंने बैंक के इलेक्शन में खड़ा किया है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस बैंक के इलेक्शन में मैं बाहर आ रहा हूँ, आप लोग उसे वोट ना करें। और जो भी पैनल में लोग हैं और बाकी के दीगर लोग हैं, सब हमारे ही लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि शहर के लोग जो भी फैसला करेंगे ये सही रहेगा, और ये जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आगे चल के ये बैंक को बढ़ाने का काम करें, डेवलपमेंट करने का काम करें। मैं सब लोगों को इतला करना चाहता हूं कि परिवर्तन पैनल के हम सभी उम्मीदवार बैंक के हित में सब खड़े हुए हैं, और हमारी जो बेटी जैसी समान गंगूबाई थी, वो उन्होंने हमारे पैनल को समर्थन करते हुए जाहिर माघार ले लिया जैसा, और हमारे को पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे इलेक्शन में भी। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो बैंक के हित में उन्होंने जो काम किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर अपना मुल्तानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो बात को मद्देनजर रखते हुए उनके घर वालों को समझाते हुए हमारे पाठिंबा डिक्लेयर किया उन्होंने। धन्यवाद मैं सबका। इसमें काफी लोगों ने फॉर्म भरे थे, इसी तरह सत्ताधारी पैनल के भी लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन किसी वजह से पता नहीं उन्होंने फॉर्म विड्रॉल कर लिए, और बाकी जो मेंबर बचे थे उनको मिलाकर हम लोगों ने एक पैनल बनाया जिसका नाम परिवर्तन पैनल है। ये पैनल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैंक के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बैंक को किस तरह से हम आगे ले जाए, या बैंक के जो मसले हैं उसको किस तरह से हम पूरे कर सके। इसके लिए हम लोगों ने इंजीनियर बोलकर, टीचर बोलकर, यहाँ तक के हमारे डॉक्टर, ऐसे मिलाकर हमने एक पैनल बनाया, और कुछ लोगों ने फॉर्म विड्रॉल कर लिए, इसलिए हमको मजबूरन एक घर से दो भी लेना पड़े। बाकी आज भी हम बैंक के हित में काम करने के ख्वाहिशमंद है। इसके लिए आने वाले जो मंगल के दिन 18 तारीख को नेशनल उर्दू हाई स्कूल में
निवडणूक रखी गई, तो ये निवडणूक में भी सभी सभासदों ने आकर वोटिंग करना और आते वक्त अपना आइडेंटिटी कार्ड बोलकर आधार कार्ड या पैन कार्ड साथ में लेकर आना। हम लोगों ने सबने मिलकर पैनल बनाए थे और कुछ वजह से कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे थे कुछ वजह से उनकी मादर रह गई और अभी हमारे पैनल का प्रचार सब जोरों शोरों से शुरू है। और हमारे साथ में जो हमारे भाभी महिला राष्ट्रगढ़ से खड़े थे तो आज उन्होंने हमारे समर्थन में पैनल को सपोर्ट करते हुए वो इलेक्शन में से इन्हें उनका नाम रिटर्न ले रहे और हमारे पैनल के लिए उनके जो भी समर्थक है और जो भी उनके वेल विशर है उन्होंने हमारे पैनल के लिए मदद करना है। हमारी भी ख्वाहिश है सभी मतदार भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आके वोट करें। परिवर्तन पैनल को इनामदार वसीम इकबाल, मिर्जा सलीम बेग, मिर्जा हनन सलीम बेग, शेख अशफाक शेख लाल, शेख इम्तियाज मोहम्मद गौस, शेख शकील वजीर, शेख सादिक खालिक, हाशमी जुबेर फिरोज, तसेच महिला राखीव गटातून शिक्षिका शेख रफत जहा शकील आणि डॉक्टर शेख हिना सादिक हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहे। तर यापूर्वीच अत्तर मोहसिन हरून, शहा नवाब अकबर, तडवी आरिफ इब्राहिम हे तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यानं परिवर्तन पॅनलच्या विजयाची सुरुवात यापूर्वीच झाली आहे। उमेश आवनकर, दिशा न्यूज, नाशिक।